गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उस कंट्री का नाम है यूएसए। ठीक है, आप सभी ने इस कंट्री के बारे में तो सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है, बहुत बड़ी कंट्री है, सभी को वहाँ पे जाना है वैकेशन पर्पज़, फॉर ए जॉब पर्पज़। ठीक है, तो आज हम इस कंट्री के बारे में बात करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स। तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कॉमनली नोन एज यूनाइटेड स्टेट्स, उसे यूएस भी कहा जाता है और अमेरिका भी कहा जाता है, इज ए कंट्री प्राइमरी लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। इट्स कंसिस्टेंट ऑफ 50 स्टेट, अ फेडरल डिस्ट्रिक्ट एंड 5 मेजर अनकॉर्पोरेटेड टेरिटरीज, 9 आउटलाइंग आइलैंड एंड 326 इंडियन रिजर्वेशन। द यूनाइटेड स्टेट्स इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बाय लैंड एंड अ टोटल एरिया। 7 शेयर्स बॉर्डर विथ कैनेडा, मैक्सिको। ठीक है, तो इसकी शेयरिंग है मैक्सिको से, है कैनेडा से, बहामास आप कह सकते हो, ये भी शेयर करती है बॉर्डर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी यूएस में 50 स्टेट्स से, ठीक है, इंक्लूडिंग 49 जो नंबर है वो अलास्का का है और 50 है हवाई का। ठीक है, अभी हमारे इसके कैपिटल पे, तो यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी एंड लार्जेस्ट सिटी इज़ न्यूयॉर्क, ये भी आप सभी को पता होगा मोस्टली। ठीक है, और जिसको नहीं पता उनको मैं बता दूँ क्या कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है और लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके नेशनल लैंग्वेज पे, तो ऑब्वियसली इसका नेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। इथनिक ग्रुप है 61% वाइट, 12% ब्लैक, 6% एशियन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके इथनिक ग्रुप, तो मैंने बता दिया आपको। रिलीजन पे आते तो रिलीजन है 63% क्रिश्चियनिटी, 21% कैथलिक, 1% बुद्धिज़्म, 1% इंडियन, एशियन आप कह सकते हैं हिंदू इंडियन, और 1% इस्लाम। ठीक है, ये इसका रिलीजन में आता है। पॉपुलेशन 33.19 करोड़ अबव। करेंसी आप सबको पता है यूएसडी है, $1 वहाँ का, यहाँ पे 88-87 चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीज़ा ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है यूएस जाने के लिए, और प्रोसेसिंग टाइम है 3 to 5 working days, 3 to 5 weeks लग जाता है वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। वीज़ा है DS-160 फॉर्म फिलअप करना है, B1 B2 कैटेगरी में, वो टूरिज़म के लिए और मेडिकल के लिए आता है, तो वही हमें फ़िलअप करना है। DS-160 फॉर्म फिलअप करके सिलेक्शन करना है कैटेगरी में B1 B2। ठीक है, उसकी जो साइट है वो है CEAC.state.gov, मैं रिपीट करता हूँ CEAC.state.gov। फीज़ है 13,499। अभी हमारे इसके ड्राइविंग साइड पे, तो ड्राइविंग साइड है रेड, कॉलिंग कोड है +1। अभी हमारे सैलरी पे तो मिनिमम है 2,000 USD, तो इंडियन करेंसी में लगभग हो जाता है 1,60,000-1,70,000। एवरेज है 7,900, तो इंडियन करेंसी में होता है 6 लाख, और हाई सैलरी है 16,666, तो इंडियन करेंसी में होता है 15 to 20 lakhs। तो मैं सैलरी का, मैं पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस से भी मैं बता दूँ क्या, मे बी वहाँ पे यूएस में जॉर्जिया में था स्टेट, और मैं जॉब करता था एटलांटा में। ठीक है, तो मेरी भी पैकेज 2,500 USD था, और मैंने 5 से 6 साल यूएस में जॉब किया है गैस स्टेशन पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा 2,500 USD था पर मंथ सैलरी, तो मुझे भी लगभग उतना मिल जाता था, तो 1 month की सैलरी मुझे भी उतनी ही मिल जाती थी। कॉस्ट ऑफ लिविंग $100 में आप अपने इंडियन ग्रॉसरी बाय कर सकते हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये रैंडम मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता देता हूँ। अपार्टमेंट का, मैं अपार्टमेंट में जो मैं रहता था वहाँ पे, तो मेरा जो अपार्टमेंट प्राइस था वो 500 USD था। ठीक है, $100 का मैं बाय कर लेता था जो सामान, ग्रॉसरीज वगैरह सब। ठीक है, तो 600 रुपया मेरा खर्चा था, रेस्ट ऑफ मेरा जो फ़ोन रिचार्ज मैं करता था वहाँ पे, सिम रहते तो रिचार्ज एवरी मंथ करवाना होता है, तो $100 उसमें जाते थे, तो 700 मेरा एक्सपेंस होता था। ठीक है, और रेस्ट ऑफ मेरा सेविंग हो जाता था, तो 2,500 माइनस 700 आप कर लो तो 1,600-1,700 रुपया आप बचा लोगे एवरी मंथ यूएस में, तो काफ़ी बेहतरीन सेविंग है वहाँ पे, और अच्छी कंट्री है, और काफ़ी आप हद तक सेव कर लोगे। ठीक है, अभी ऑफिशियली मैं आपको बता देता हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग का। ठीक है, सैलरी तो मैंने आपको बता दी कितनी है, अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग, मिल्क है $1, राइस है वन केजी $4, एग है 12 पीस $4.49, टमाटो है 1 केजी $4.59, पोटैटो है 1 केजी $2.99, ऑनियन है 1 केजी $2.79, वाटर है 2.12। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अपार्टमेंट पे है तो आप सिटी में जाओगे 1 बेडरूम तो 1,000-1,200, आउटसाइड सिटी 1,900-900 जैसे लोगे आप, वैसे 800-900 USD। अपार्टमेंट 3 बेडरूम इन द सिटी 3,000, आउटसाइड सिटी लगभग $2,000 के आसपास आ जाएगा, उससे भी कम में आ जाता है। ठीक है, और फ्लाइट तो मैं रूट्स पे आता, तो फ्लाइट तो काफ़ी रूट्स है।
ठीक है। मेरा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ, मैंने जिस जिस एयरलाइन से मैंने अभी तक ऑपरेट किया है, वो जो जो एयरलाइन से मैं अभी तक गया है वो, तो फर्स्ट जो रूट था मेरा मुंबई से फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से जॉर्जिया एटलांटा, ठीक है, ये एक रूट था, एक ही स्टॉप था। उसकी रिटर्न टिकट थी लगभग 1,05,000 रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने रूट चूज़ किया था, टर्किश एयरलाइंस थी और ये लुफ्तानसा एयरलाइंस थी, जो पहले मैंने बताया वो लुफ्तानसा एयरलाइंस से मैं गया था मुंबई से फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से एटलांटा, जॉर्जिया एटलांटा, ठीक है। तो उसका 1,05,000 था। उसके बाद मैंने वापस ट्रैवलिंग किया था इंडिया आने के बाद टर्किश एयरलाइंस से, मुंबई से इस्तानबुल, इस्तानबुल से जॉर्जिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्रिटिश एयरवेज से गया था, मुंबई से लंदन, लंदन से जॉर्जिया। ये प्राइसिंग लगभग 90-85, जैसे आप बुक करोगे, जितने पीरियड्स के बाद आप बुक करोगे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप 15 डे 20 डेज 1 मंथ का गैप लोगे तो आपको सस्ती टिकट्स मिलती है, ये तो आप सभी को भी पता होगा, क्योंकि जितना लेट हम बुक करते हैं, इसलिए जितना जल्दी बुक करते हैं उतना हमें सस्ता पड़ता है टिकट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा ही है, और ये 3 रूट्स तो बता दिया, और काफ़ी रूट्स है, काफ़ी एयरलाइंस ऑपरेट करती है US के लिए, तो आप जो भी चाहिए आप वो सिलेक्ट करके, जो जिसकी भी प्राइस कम है उस एयरलाइंस में आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो रिटर्न एयर टिकट लगभग 80-90-1 लाख के आसपास ही पड़ेगी आपकी, आप कहाँ पे भी कोई भी स्टेट में जा रहे हो तो, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी बड़ा है, 50 स्टेट्स है, तो मैं सब स्टेट्स का मैं रूट्स नहीं बता सकता। मैंने जहाँ पे पर्सनल ट्रैवलिंग की है उसका मैंने बता दिया, और आपको अभी समझो शिकागो जाना है तो आप देख लेना, लेकिन लगभग टिकट्स जो फेयर होगा वो लगभग अंडर 1 लाख रुपीज़ होगा रिटर्न टिकट्स का, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में ऑब्वियसली पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशन, अब अगर आपका कोई जानने वाला है वहाँ पे रहता है तो स्पॉन्सर लेटर हो गया, इनविटेशन लेटर हो गया, आप यही कह सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। टूरिस्ट वीज़ा पे आप, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है, आप DS-160 फॉर्म फिलअप करके आपका इंटरव्यू होगा काउंसलर के सामने, फेस टू फेस सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका वो पासपोर्ट वहाँ पे रख लेंगे 2-3 दिन या 1 वीक के बाद आपका, आपने पिकअप के लिए रखा है तो आप पिकअप वहाँ से कर सकते हो एम्बेसी में जाके, या फिर आपके होम एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप पिकअप कर लेना वहाँ पे जाके, वीज़ा मिल जाता है तो आप फिर आपका होटल रिजर्वेशन हो गया ये करवा लीजिए, या स्पॉन्सर लेटर, आपका रिलेटिव कोई रहता है तो स्पॉन्सर लेटर लिखवा लीजिए, इन्विटेशन लेटर बनवा लीजिए, ठीक है। तो यही है, और इसमें तो मैंडेटरी में पासपोर्ट है, होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट्स चाहिए, फिर स्पॉन्सर लेटर या इन्विटेशन लेटर, ये हो गया। उसके बाद फंड्स आप रख लेना, 4 से 5 हज़ार डॉलर, 3 हज़ार डॉलर, 4 हज़ार डॉलर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एडवांटेज आपको मिलेगा, रखना ही चाहिए, नॉट एडवांटेज, आपको मैंडेटरी है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी रखना, ठीक है, अगर आप टूरिस्ट पर्पज़ से US में जा रहे हो तो। ये सब हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेना, कोविड सर्टिफिकेट ले लेना, ठीक है फ्रेंड्स। और वीज़ा तो मैंडेटरी है, विदाउट वीज़ा आप नहीं जा सकते। और ये सब जो रूट मैंने आपको बताया है, फ्रैंकफर्ट से और फिर इस्तानबुल से मैं गया था, फ्रैंकफर्ट से गया था एक बार, ठीक है, तो मुझे ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगा था, और आपको भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा अगर आप होल्ड कर रहे हो B1 B2 US का वीज़ा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही, और कुछ आपको इंक्वायरी होगी या कुछ भी डाउट्स होगा तो प्लीज़ कॉल मी और मैसेज मी, आई डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड एपिसोड में। सचिन तिलक ब्लॉग, हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।